हेलो बच्चा, वेलकम टू फिजिक्स फंडे। आई एम सचिन कटारा, योर फिजिक्स टीचर एंड योर होस्ट। तो कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, आज हम यहाँ पे काइनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, एचसीवी के। तो एचसीवी के सॉल्यूशंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स वाले, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। डायरेक्शंस कैसी होती है बच्चों, आपको पता है? ये होता है हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, तो मतलब 50 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये हमारी वी इनिशियल होगी। वी इनिशियल कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में। एंड टर्न लेफ्ट, टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो लाइक वेस्ट में जाएगा बच्चों, ऐसे इस तरीके से। तो वी फाइनल क्या हो गया हमारे पास? 50 किलोमीटर पर आर। चेंज नहीं हो रही है तो 50 किलोमीटर पर आर ही रहेगी। अब हमसे पूछा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट, तो हमें चेंज पूछा है, तो हमें बता है कि डेल्टा वी जो होगा वो होगा हमारा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो कि हमारा चेंज होता है। अब अगर हम इस चेंज का वेक्टर डायग्राम बनाए, तो वी फाइनल हमारा इसी डायरेक्शन में है, ये हमारा वी फाइनल है। वी इनिशियल तो माइनस के वी इनिशियल है, तो अब ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के वी इनिशियल इक्वल्स टू माइनस 50 किलोमीटर पर आर, ऐसा कुछ। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ कहीं होगा इन दोनों के बीच में, ये हमारा रिजल्टेंट होगा, ऐसा कुछ। अगर हम रिजल्टेंट निकालें, दो वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी का रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो वो होगा अंडर रूट वी फाइनल का स्क्वायर प्लस वी इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो ये हो गया हमारा 50 का स्क्वायर प्लस के 50 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये हो गया हमारा 50√2। तो 50√2 कितना होता है? 70 किलोमीटर पर आर, 70 किलोमीटर पर आर। अब नॉर्थ, अब डायरेक्शन देखें तो ये है हमारी ईस्ट, ये हमारी वेस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये वेस्ट और साउथ, तो ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी साउथ है, तो इनके बीच में ही है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है बस। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो 70 किलोमीटर पर आर आएगा और टूवर्ड्स साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर हमें शोज है एक्सटी, एक्सटी ग्राफ दे रखा है, मतलब पोजिशन और टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। अब पूछा क्या है, तो ए ऑप्शन देखते हैं, द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में गया है। पहली बात तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी पूछता हूँ बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी? dx by dt होगी, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां से यहां तक स्लोप तो जा रही है टी नॉट तक, तो टी नॉट तक तो स्लोप आएगी कितनी? अगर इसको देखते हैं, ये मैं बोलता हूँ एक्स नॉट है, लाइक ये वाली जो कंडीशन है ये एक्स नॉट है, और ये हमारा कितना है? टी नॉट है। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप होगी वो x नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट होगी, और टी नॉट के बाद जो स्लोप होगी ये होगी टी नॉट तक, और टी नॉट के बाद तो टी नॉट टू इनफाइनाइट जो भी है उसमें हमारी स्लोप क्या है? जीरो है। तो टी नॉट के बाद वेलोसिटी क्या होगी हमारी? जीरो। तो ये हमारी कंटिन्यूस मूव नहीं करेगा x डायरेक्शन में, क्योंकि टी नॉट के बाद तो ये रेस्ट पे आ गया, टी नॉट के बाद रेस्ट पे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा था, पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 टू टी नॉट तो चल ही रहा है ना हमारा, तो ये हमारी वेलोसिटी थी मीटर पर सेकंड वाली, जो हम मान लेते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड दे नहीं रखी पर ऐसा लिख देते हैं चलो। तो 0 टू टी नॉट तो चलेगा किससे? एक्स नॉट अपॉन टी नॉट से, और उसके बाद हमारा रेस्ट हो जाएगा, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन क्या था, वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू द टी नॉट एंड देन बिकम्स कॉन्स्टेंट, तो नहीं, इंक्रीज तो नहीं हो रही, ये तो हमारी कॉन्स्टेंट है, और देन रेस्ट पे रही, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो रहा था, पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू द टाइम टी नॉट, तो हाँ ये टी जीरो से टी नॉट के लिए तो कांस्टेंट चल रही है, क्योंकि हमारा ग्राफ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है, स्ट्रेट लाइन ये है हमारा जीरो से लेके टी नॉट तक, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट होगी टी नॉट तक, एंड देन स्टॉप, और उसके बाद टी नॉट से इनफाइनाइट क्या हो रहा है? रेस्ट पे, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी यू टूवर्ड्स ईस्ट,
एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब कि हमारी कुछ कंडीशन है कि ये एक पार्टिकल है, इसकी स्पीड यू है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये हमारा हो गया साउथ, तो ये हमारी डायरेक्शंस होगी, ये होगी हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ हो गया, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू जीरो पे ये स्टार्ट है, इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये वेस्ट में है एक्सेलरेशन, मतलब कि ये रिटार्ड कर रहा है विद अ कॉन्स्टेंट, तो ये हमारा ए कॉन्स्टेंट है। तो लेट एक्स ए एंड एक्स बी दी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में जब ये चलता है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स ए है, और नेक्स्ट नेक्स्ट 10 सेकेंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स बी दे रखा है, ऐसा कहा है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ बच्चों ये रुकेगा कहाँ पे, तो ये लाइक मैंने कहा इस पॉइंट पर ए से चला है और बी पर रुक गया, क्योंकि रिटार्डेशन पीछे चल रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन लगा सकते हैं, वी हमारा बी पर जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू यू माइनस के ए टी, तो टी इक्वल्स टू बेसिकली कितना हो गया यू बाय ए, तो टी इक्वल्स टू यू बाय ए आ गया। अब देखें तो बच्चों इसमें हमें ये चीज नहीं पता कि ये जो पार्टिकल है ये टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टार्ट है और ये टर्न कब ले रहा है, क्योंकि टर्निंग की कंडीशन कुछ भी नहीं दे रखी है, मतलब ये कहाँ पे रुका है, टी इक्वल्स टू यू बाय ए पे रुका होगा, लेकिन हमें इसकी इक्वेशन, हमें इसकी वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो हमें टर्निंग पॉइंट पता नहीं चलेगा, हो सकता है ये यहाँ गया और 10 सेकेंड बाद भी नहीं रुका, अगले 10 तो ये 10 सेकेंड तक चला यहाँ पे, उसके बाद 5 सेकेंड और चला गया, तो टी एक्स ए ज्यादा हो जाएगा और फिर जब ये रिटर्न आएगा तो ये कम हो गया एक्स बी। सेकेंड केस ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ये तो 1 सेकेंड में रुक गया फिर वापस चला गया, तो एक्स ए और एक्स बी का हम कुछ रिलेशन बता नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी वन, तो एक पर्सन है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ ऐसी होती है, और वी वन फॉर सम टाइम, तो मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है और ये वी वन एक किसी टाइम के लिए, मैंने बोला टी, टी टाइम के लिए मूव कर रहा है, ठीक है, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी टू फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, तो ये बी से लेके सी जाता है, बी से सी में जब जाता है तो इसकी स्पीड होती है वी टू और टाइम वही लगता है टी, ठीक है। पूछा क्या है, द एवरेज वेलोसिटी वी इज गिवन बाय, तो हमें पता है वी एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हम कह सकते हैं ये हमने बोल दिया ये एस वन है, ये हमारा एस टू है, ऐसा कुछ, तो इसको भी मैं एस लिख लेता हूँ ज्यादा सही रहेगा, एस ये हमारा हो गया एस, तो एस जो हमारा होगा टोटल ये S, तो इसको लिख सकते हैं S1 वन प्लस एस टू डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ऐसा। अब टोटल टाइम कितना होगा, ये T, तो 2T होगा, तो टोटल टाइम 2T हो गया, ठीक है। अब S1 की अगर वैल्यू देखें बच्चों, S1 वन इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं, तो V1 वन इंटू टी, और S2 कितना हो जाएगा, सिमिलरली S2 हो जाएगा हमारा V2 टू इंटू टी, तो हम पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो क्या आएगा, V1 वन इंटू टी प्लस v2 into t डिवाइडेड बाय 2 into t, t से t कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, v एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, तो ये फोर्थ भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x1, तो वही है कि स्ट्रेट लाइन का मोशन है पहली बात, तो ये मैंने बोल दिया a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है, ऐसा कुछ कह दिया, तो a पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से जा रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना चलता है, ये x चलता है a से लेके b तक, एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, तो नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस मतलब नेक्स्ट इक्वल x ही होगी, और ये कितना चलता है यहाँ पे, ये v2 से चलता है, नेक्स्ट वाली जो जो x है b से लेके c तक की वो किससे चल रहा है, v2 से, और a से लेके b तक है वो चल रहा है v1 से। अब पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी v,
तो वी एवरेज का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ऐसा कुछ है। तो अगर हम देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 2x होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं 2x। अब ये ए से लेके बी तक जाने में मैंने कहा बच्चों t1 टाइम ले रहा है, और बी से लेके सी तक जाने में t2 टाइम ले रहा है, ऐसा कह दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो नीचे वाला टाइम होगा वो t1 प्लस के t2 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। अब अगर मैं ए से लेके बी की बात करता हूँ, ए से बी, तो ए से बी में जो हमारा t1 टाइम है, तो t1 टाइम को अगर निकालना चाहे तो x और ये v1, तो x तो डिस्प्लेसमेंट चलता है और v1 इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, तो हम क्या कह सकते हैं जो टाइम होगा वो हमारा x अपॉन v1 हो सकता है। टाइम v इक्वल्स टू x बाई t होता है, तो x इक्वल t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन v2। सिमिलरली फॉर b2c की बात करें, b2c की, तो t2 कितना हो जाएगा, t2 हमारा हो जाएगा x अपॉन v2। अब इसे हम यहाँ पे फॉर्मूले में चिपका देते हैं, तो चिपकाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा टोटल v एवरेज, तो v एवरेज हमने लिख दिया v v इक्वल्स टू 2x अपॉन t1, t1 की वैल्यू कितनी है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2, ऐसा कुछ होगी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये यहाँ पे x x x तो कैंसिल हो गया, और इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस के 1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन v। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1 अपॉन v1 प्लस के 1 अपॉन v2, तो ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन करके हम यहाँ से सी ऑप्शन मैच कर लेंगे। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर। अब एक एलिवेटर की बात हो रही है, ये हमारा एलिवेटर लिफ्ट है जो कि गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन, तो किसी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है ऊपर। अब हमें बोला द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, तो एक स्टोन है, स्टोन को हमने यहाँ से रिलीज किया, ड्रॉप किया है, तो अ स्टोन ऑफ आफ्टर रिलीज, तो हम जैसे ही स्टोन को रिलीज करेंगे तो ये जो स्टोन है या कॉइन है जो भी है ना, तो इस पे लगने वाला ओनली फोर्स कौन सा होगा बच्चों, ओनली एमजी लगेगा। कौन सा फोर्स, एमजी लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होगा, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। अब फोर्स लगने वाला ओनली एमजी इक्वल्स टू एम ए हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ओनली क्या होगा, जी, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, इतनी क्या होगी, डाउनवर्ड। तो हमारे पास ओनली इस जो स्टोन है उस पर एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी होगा और डाउनवर्ड लगेगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो एक कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, और वहां पे टॉप पर एक आदमी है, पर्सन है, और वो थ्रो करता है बॉल ए एंड बी, द बॉल ए इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, तो हमारी ए जो है इसे तो वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड करता है ए, और बी इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, तो मतलब ए को तो हमने बोला यू से जा रहा है और बी को हमने कहा ये यू से नीचे की तरफ जा रही है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से फेंकता है ना, तो ये ए को तो ऊपर फेंक रहा है और बी को नीचे की तरफ फेंक रहा है, हमने बोला ये हाइट जो है वो एच है, ऐसा कुछ कहा। अब फाइंड क्या करना है, द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड, तो जब ये ग्राउंड लेवल पे जो ए है, ए हमारी जब हिट करती है, मैंने बोला ये वी ए है, और एंड द बॉल बी हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी बी, तो और बी जब हिट करती है तो वो ये वी बी से कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, वी हैव जो रिलेशन है वी ए और वी वी में हमें रिलेशन फाइंड करना, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जब इसको रिलीज करेंगे तो ओनली ग्रेविटी वर्क करेगी। तो फॉर ए के लिए बात करते हैं, ए के लिए हम जब इक्वेशन लिखें, थर्ड इक्वेशन, तो हम बोल सकते हैं वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2a इंटू एस। अब वी ए हमारी फाइनल है, तो वी ए स्क्वायर हो गया, यू ए क्या है हमारे पास, ए का इनिशियल वेलोसिटी, तो वो की है यू स्क्वायर, ग्रेविटी नीचे लग रही तो माइनस के 2 इंटू जी इंटू एच, तो वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, वी ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस के 2g इंटू एच। फॉर बी पार्टिकल, बी बॉल के लिए बात करें, तो बी बॉल के लिए हम क्या लिखेंगे, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 2as, तो 2a इंटू एस, ऐसा कुछ लिखेंगे।
अब वी बी, तो वी बी हमें निकालना है, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू। यू स्क्वायर क्या है बेसिकली, यू ही है जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बी की, यू तो माइनस डायरेक्शन में, क्योंकि ये माइनस लेते हैं हम और ऊपर क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस यू स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली यू स्क्वायर ही आएगा, और माइनस के टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है माइनस जी इंटू एच, तो वी बी की वैल्यू भी कितनी आ रही है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच। तो यहां से हम देखेंगे तो पता चलेगा वी ए इक्वल्स टू वी बी आ रहा है, जो कि हमारा सी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा बच्चा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट नंबर का क्वेश्चन। एट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमने पढ़ा भी है, एक्स हो गया ये वाई हो गया, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्टाइल किया है यू से किसी एंगल थीटा पर, तो ये इस तरीके से जाता है ऐसा कुछ, और ग्रेविटी हमेशा जो पार्टिकल पे होती है वो डाउनवर्ड वर्क करती है ऐसा कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी क्या। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और वेलोसिटी कुछ ऐसे है, ग्रेविटी नीचे है वेलोसिटी ऐसे है, तो ये 90 प्लस थीटा बना रही है, तो ये तो नहीं हो सकता हमेशा, ठीक है। इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, तो देखते हैं यहाँ पे अगर देखें हम तो ये एक्सेलरेशन नीचे वेलोसिटी ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरीके से एक्सेलरेशन नीचे। एट द टॉप पे बात करें बच्चा, टॉप पे वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, जो भी रहती है वी या वी डैश, जिसकी वैल्यू अगर दे रखा होगा टर्म्स तो हम निकालेंगे, तो वी डैश, और हमारी जो ग्रेविटी है वो तो हमारी नीचे वर्क कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये नेवर तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे इस वाली कंडीशन में तो वी ये कुछ ऐसे हो जाएगा, वी डबल डैश और ग्रेविटी नीचे, तो ये एंगल 90 से कम हो गया। यहाँ पे और जाएंगे तो यह 90 से और कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ पे 90 से ज्यादा रहेगा, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 90 से कम होता जाएगा एंगल बीच में। तो इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ऑफ एट वंस वन इंस्टेंट ओनली, हाँ तो ये टॉप पर जब रहेगा, टॉप पर, तो टॉप के पर ये एक टाइम ओनली वन इंस्टेंट ये परपेंडिकुलर होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है, इस परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर टू टाइम्स, टू टाइम्स तो नहीं होता, ओनली वन टाइम्स होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन, क्योंकि पहली बार एट टॉप ऑफ द हाइट, टॉप ऑफ हाइट या टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हो, ठीक है, या एच मैक्सिमम भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमें बोल रहा है टू बुलेट्स आर फिक्स्ड साइमल्टेनियसली, फायर्ड, सॉरी फिक्स्ड नहीं, फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली एंड, तो हमारी जो दो बुलेट हैं ये हमने बोला ए है, ये हमारी बी है, तो ये वी ए से जा रही है और ये वी बी से जा रही है, ठीक है, सेम प्लेस से जा रही है, फायर्ड बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो हमने बोला कि हमने एच हाइट से कोई, ये कुछ दोनों की हाइट इक्वल ही है क्योंकि सेम प्लेस से भेज रहे हैं, सेम प्लेस से जा रही है, तो ये क्या होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से करेगी, ऐसे कुछ करेगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि विच बुलेट हिट ग्राउंड फर्स्ट, मतलब कौन सी बुलेट सबसे पहले जाएगी, ठीक है, तो देखते हैं। अब हमने कहा ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा क्या होता है वाई होता है, तो वाई डायरेक्शन की बात करें, फॉर वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में जो वी यू ए होगा, यू ए कितना है बच्चा, ये हमारा जीरो है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ए की भी नहीं है और बी की भी नहीं है, बी की भी कितनी है जीरो है। अब हाइट हमें दे रखी है एच, तो हमने क्या किया, हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। अब जो ये बुलेट है इन पर ओनली ग्रेविटी ही वर्क करेगी फायर होने के बाद, ये तो हम कह सकते हैं, तो s की वैल्यू निकालते हैं, तो ये h, h कितना होगा, यहाँ से हमने ये हमारा ओरिजिन है तो फॉर a की बात करेंगे, तो ये a के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर a, a के लिए क्या होगा h, तो माइनस के h हो जाएगा, u हमारा जीरो है बेसिकली, तो u जीरो तो प्लस के जीरो, प्लस हाफ जी, जी कितना होगा माइनस होगा नीचे की तरफ है, तो ये यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं पहले ही, तो माइनस के हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर होता है, तो टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो टी की वैल्यू कितनी आई ए के लिए, टी ए लिख देते हैं, टी ए, टी ए की वैल्यू होगी टू एच बाय जी अंडर रूट टू एच बाय जी, ठीक है।
फॉर बी के लिए बात करते हैं, फॉर बी, बी के लिए क्या होगा, वही एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस भी कितना है इसका, वही हाई टी है माइनस के एच, यू कितना है जीरो है माइनस के हाफ जी इंटू टी बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो टी बी की वैल्यू भी कितनी आएगी, अंडर रूट टू एच बाय जी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों बुलेट सेम टाइम पर पहुंचेंगी ग्राउंड पर, सेम टाइम हिट्स द ग्राउंड, हिट ग्राउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, द फास्टर वन नहीं, दोनों सेम आएगी, स्लोली भी नहीं, तो बोथ विल रिच साइमल्टेनियसली, तो हाँ दोनों की दोनों हमारी सेम डायरेक्ट होती, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डिपेंड ऑन द मासेस, मासेस पे डिपेंड नहीं कर रही है, मैं बेसिकली दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ नंबर का क्वेश्चन। तो टेंथ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 50 डिग्री इज, तो एक प्रोजेक्टाइल है जिसे 15 डिग्री पर हमने फायर किया है किसी स्पीड यू से, तो ये जाता है कुछ इस तरीके से, और ये रेंज है हमारी, ये रेंज है, ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया, प्लेन हमारा एक्स वाई हो गया, ऐसा कुछ है। तो हमें पता है रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बेसिकली यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, ऐसा कुछ। तो रेंज हमें दे रखी है कितनी, यहाँ पे रेंज 50 मीटर दे रखी है, तो 50 मीटर, तो 50 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो थीटा 15 दुनी 30, तो 30 30 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू होगी 10, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1500 और एक इंटू 1/2 होगा तो 2 बेसिकली ऊपर ही आएगा, तो ये यू स्क्वायर, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 1000, अंडर रूट 1000, तो ये हो जाएगा हमारा 10√10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ। अब क्या कह रहा है, इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड और एंगल हमारा 45, तो एंगल हमने अब क्या कर दिया है यहाँ पे, दूसरा केस जो है कि स्पीड तो वही है यू, पर एंगल हमारा 45 गया। अब हमें ये भी पता है कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज आती है हमें, है ना, मैक्सिमम रेंज आती है, तो ये कितना रेंज आएगा, तो ये हमने बोल दिया आर डैश, आर डैश की वैल्यू हमसे पूछी, तो हम निकाल सकते हैं आर डैश इक्वल्स टू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डैश डिवाइडेड बाई जी, तो आर यू स्क्वायर सेम वेलोसिटी है, तो सेम वेलोसिटी है तो यू सेम स्पीड है, सॉरी सेम स्पीड है ना, तो सेम स्पीड है तो यू स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 1000 इंटू साइन टू थीटा, तो साइन 45 इंटू 2 90, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय हमारा 10, तो 10 से 10 गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी 100 मीटर, तो 100 मीटर आंसर कौन सा है डी, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द टू प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद एंगल 15 डिग्री और 45 डिग्री, तो हमने क्या कहा कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, ये हमने कह दिया कि ये यू ए से जा रहा है क्योंकि स्पीड के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, तो ये 15 डिग्री और सेकंड जो है ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, तो सेकंड ये एक्स ये वाई, उसकी जो स्पीड है वो मैंने बोल दिया यू बी है, वो कितने डिग्री पर 45 डिग्री पर है, ठीक है। अब पूछा क्या है, इफ आर ए एंड आर बी वी द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्टाइल देन, तो आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी है, तो हम बेसिकली हम कह सकते हैं ये हमारा आर ए होगा और ये हमारी जो रेंज होगी ये हमारी ये आर ए है और ये वाली रेंज कितनी है आर बी है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला बच्चा पार्टी क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है सर यू ए स्क्वायर साइन टू थीटा, तो टू थीटा वन, तो थीटा वन कितना है 15, तो 15 इंटू 30 लिख देते हैं डिवाइडेड बाय जी, ऐसा कुछ हो जाएगा। और आर बी हमारा कितना हो जाएगा, आर बी है हमारा यू बी का स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आर ए हो गया हमारे पास यू ए स्क्वायर बाय 2g और आर बी हमारे पास हो गया यू बी स्क्वायर अपॉन जी, ऐसा कुछ हो गया, आर ए हो गया ये आर बी। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे रिलेशन पूछा है आर ए और आर बी में, तो देखो जाए तो आर ए और आर बी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो ये यू ए पे डिपेंड कर रहा है, ये यू बी पे डिपेंड कर रहा है देखा जाए तो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इनिशियल स्पीड के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, यू ए एंड यू बी के बारे में तो कुछ हिंट ही नहीं दिया है, कुछ भी नहीं कहा है, तो क्या होगा
नहीं निकाल सकते तो फिर डी ऑप्शन हमारा जो है द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर बी, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले वही चीज है, जैसे ईस्ट वेस्ट आता है तो हम पहले डायरेक्शन बना लेंगे, तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। अब रिवर कुछ इस तरीके से है। ओहो, रिवर में एक छेद कैसे आ गया सर, नहीं आना चाहिए। चलो इसे मैं ब्लैक से बनाता हूँ, ये हमारा ब्लैक से रिवर, ये हमारा रिवर हो गया। ठीक है, अब जो रिवर फ्लो है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि ये है हमारा रिवर फ्लो, ये हमारा रिवर फ्लो इस तरीके से है, ये जा रहा है ऐसे कुछ इस तरीके से, ये हमारा रिवर फ्लो हो गया। अब अ मैन ऑन द साउथ बैंक, तो साउथ बैंक साउथ यहाँ पे है, तो यहाँ पे है एक मैन इस तरीके से कुछ है, मैन ये हमारा मैन एम दे दिया। बैंक रिवर कैपेबल टू स्विंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टील वाटर, तो ये हमारा कि 10 मीटर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन की बात करूँ तो वो 10 मीटर पर मिनट है हमारे पास स्टील वाटर में। ठीक है, तो ये तैर सकता है। वॉन्ट टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम, तो शॉर्टेस्ट टाइम में अगर ये रिवर को हमारी को क्रॉस करना चाहता है, तो हमने कहा कि ये हमारी जो डिस्टेंस है ये हमारी डी हो गई। ठीक है, ये डी होगी और ये जो है हमारा किसी एंगल थीटा पर वेलोसिटी ऑफ मैन सस्टेंड करता है, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं ज़्यादा सही रहेगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन किसी एंगल थीटा पर हमारा हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, हम इसके कुछ दो कंपोनेंट कर लेंगे, तो दो कंपोनेंट हो जाएगा ये वी एम कॉस थीटा और ये हो गया हमारे पास वी एम साइन थीटा। अब क्रॉस करना है तो क्रॉस किसके अलोंग करेगा, ये एक्स हो गया, ये हमारा हो गया वाई, तो फॉर फॉर वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्रॉस करेगा तो हमने क्या, टाइम, टाइम हमारा होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में डी, क्योंकि ये हमें क्रॉस करनी है रिवर, तो रिवर की जो लेंथ है या फिर विथ है वो हमारी डी है, तो डी डिवाइडेड बाय वाई डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी वो कितनी है वी एम कॉस थीटा। अब इसे टाइम मिनिमम निकालना, तो मैं कहूँ बच्चा कि ये हमारा जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए तो टाइम हमारा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चेंज तो हो नहीं सकते, डी अपॉन वी एम ये तो कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉस थीटा हमारा चेंज कर सकते हैं, तो कॉस थीटा मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 1 पर, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 0, थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 मतलब कि इसको कहाँ जाना पड़ेगा, मैन को, मैन को अगर शॉर्टेस्ट टाइम पे पाथ करना तो ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में इसको तैरना स्टार्ट करना चाहिए, जब जाके ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए इसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, तो ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, तो ये हम इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने वैसे तो हमारी जो वीडियो बनाई थी रिवर रिवर बोट प्रॉब्लम्स वगैरह और रिलेटिव मोशंस की, तो वहाँ भी इस टाइप के सॉल्यूशंस किए थे हमने, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चंस क्या हमने पूरा इसका समझा था, अगर आपको थोड़ा सा जानना है ये कैसे आता है, ये वी जो है मतलब टाइम किस तरीके से मिनिमम आया है, तो आप मेरी जो वीडियो है यूट्यूब पे देख सकते हो सर्च करके कि रिवर बोट प्रॉब्लम्स बाय फिजिक्स पंडित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन इन अ फिगर, फिगर में एक अरेंजमेंट है इस तरीके की, द एंड पी एंड क्यू ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब कि खिंच नहीं जा सकती, ये है ना एक्सटेंसिबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, मूव डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये यू से नीचे जा रही है, कुछ ऐसा कह रहा है यू से नीचे जा रहा है, और बुलेट पुली, पुली ए और बी आर फिक्स्ड हैं, द मास एम मूव्ड अपवर्ड विद अ स्पीड, तो ये जो मास है इसको मैंने कह दिया ये वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वी हमें निकालना फाइंड करना। ठीक है, तो मैं कैसे, हमें पता है वी नो कि स्पीड ऑफ
स्ट्रिंग आर सेम फॉर ऑल पार्टिकल, मतलब कि स्ट्रिंग के जो सारे पार्टिकल्स होंगे उनकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, वरना अगर सेम नहीं रही तो वो एक्सटेंसिबल हो जाएगी, स्पीड होना सेम है। तो ये हमने वी माना है, तो ये हमारा ऊपर की तरफ वी, तो ये वी है, तो इसका स्ट्रिंग के अलोंग मैंने एक कॉम्पोनेंट ले लिया, तो वो हो जाएगा हमारा वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। तो बाय कंस्टेंट, बाय कंस्टेंट स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग, पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग आर इक्वल, तो हमारा जो u होगा वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, v cos theta के इक्वल हो जाएगा, u इक्वल्स टू v cos theta। तो v की जो वैल्यू आएगी बच्चा वो आएगी हमारे u अपॉन cos theta, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी u अपॉन cos theta, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ अच्छे से, तो ये हो गया हमारा u अपॉन cos theta। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू u अपॉन cos theta, जो कि है हमारा b ऑप्शन, तो b ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टू का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है कि कंसिडर द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ द माइन्यूट हैंड ऑफ द क्लॉक। तो मतलब यहाँ पे एक क्लॉक है, क्लॉक की बात करिए, और माइन्यूट हैंड, माइन्यूट हैंड होता है बच्चों कि मिनट वाली सुई है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि एक क्लॉक बना देते हैं, क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है गोल गोल, और यहाँ पे एक माइन्यूट हैंड मतलब कि मिनट की सुई की बात हो रही है, जहाँ पे होता है हमें पता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे बोला है 1 आवर, तो 1 आवर जो होता है बच्चा हमारे वो होता है 60 मिनट का, तो 60 मिनट में मिनट की सुई एक रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करके दोबारा वहीं पहुँच जाती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके, ए से स्टार्ट करके अगेन रिवॉल्व करके बी तक पहुंच गई, मतलब ए तक ही पहुंच गई वापस। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, तो जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं हम पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा क्या है, ए ऑप्शन सही होगा, डिस्टेंस। सेकेंड जो है बी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा हमारा, टोटल पाथ, तो टोटल पाथ हमने कितना कवर किया, ये अगर इसकी रेडियस आर है तो ये टोटल जो पाथ होगा ए से लेके ए तक का जो पूरा रिवॉल्यूशन, तो वो होगा हमारा 2πr, तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारा जीरो नहीं है और टाइम इस पर कितना लग रहा है, 60 मिनट लग रहा है, तो ये भी हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। डी ऑप्शन हमारा देखते हैं, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बेसिकली जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ए और डी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, तो हमें कुछ पोजिशन दे रखी है ना, एक्स एक्सिस की पोजिशन दे रखी है, एक्स इक्वल्स टू पार्टिकल मूव्स along the x-axis as the position कुछ ऐसी है, x की value है u t minus 2 plus a t minus 2 का whole square, कुछ इस तरीके से। अब पूछा क्या है, initial velocity, तो velocity जो होती है बच्चा हमारी dx by dt होती है, तो इसको हम x को हम t के respect में, x को हम t के respect में differentiate करेंगे, तो ये आएगा, इसका जब हम करेंगे differentiate तो u कांस्टेंट है, टी का कितना होगा 1, माइनस 2 का कितना हो जाएगा 0, प्लस ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, अब ये टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 2t minus 2 का 1, ये तो हुआ किसका, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर का, और इसके अंदर जब जाएंगे तो टी का क्या होगा 1, माइनस 2 का कितना हो जाएगा 0, तो बेसिकली हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आएगी, u प्लस 2a टी माइनस ऐसा कुछ होगी। अब ये बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो टी इक्वल्स टू जीरो पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी यू प्लस माइनस टू ए, तो ये हो गया हमारा माइनस के फोर ए एड करने। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये यू बोल रहा है, लेकिन आ कितनी रही है यू माइनस फोर ए, नहीं होगा।
एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन बच्चा होता है हमारा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी। तो वी हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर वन। तो इसी को हम इस पोर्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो यू हमारा कॉन्स्टेंट है तो जीरो, प्लस टू ए हमारा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा टू ए, और टी माइनस टू, टी माइनस टू में टी का हो जाएगा वन और जीरो, टू का हो जाएगा जीरो, इस तरीके से। तो बेसिकली ये कितना आएगा टू ए, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है टू ए। तो ये बोल रहा है बी ऑप्शन क्या बोलता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज ए, नहीं ए नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज टू ए, यस टू ए आ रहा है हमारा, ये दे रखा, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा है एट टी इक्वल्स टू टू सेकेंड, एट टी इक्वल्स टू टू सेकेंड पोजिशन बतानी है। तो हमें पता है पोजिशन के लिए हम एक्स की वैल्यू देखते हैं, तो x पे हम डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर दें, तो x इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू टू सेकेंड, x कितना हो जाएगा u 2 माइनस टू प्लस के ए 2 माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये कितना आएगा जीरो। तो मतलब हम कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू टू सेकेंड पर इसकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, ओरिजिन। तो ये डी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मतलब हमें स्टेटमेंट लेना है करेक्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एवरेज स्पीड। तो वी एवरेज की बात कर रहा है, वी एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे, वी एवरेज ही बोलेंगे ना, ये एवरेज वाला है। तो ये वी एवरेज स्पीड है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन, इज नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगी। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें, क्या एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा कुछ होता है। और बेसिकली हमें पता है जो डिस्टेंस होती है हमारी वो ग्रेटर देन इक्वल होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ऐसा कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करेंगे पहले डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी स्पीड है ये वी एवरेज स्पीड है बच्चे, ये स्पीड, तो ये स्पीड जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होगा किसके, एवरेज वेलोसिटी के, किसके, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरेज एवरेज स्पीड मतलब ये एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन, तो नेवर लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हाँ सही है कि हमेशा कभी भी लेस तो होगा नहीं, ग्रेटर होगा या फिर जीरो होगा, मतलब इक्वल होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा, लेस तो होगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डीवी अपॉन डीटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बट डीवी अपॉन जीरो। तो हम यहाँ पे वैसे तो ये जो डीवी बाई डी टी है, ये वाला डीवी बाई डी टी मैग्नीट्यूड, ये हमारा वेलोसिटी के डिफरेंशिएट का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। और ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है ये हमारा स्पीड का डिफरेंशिएशन है, जो स्पीड का डिफरेंशिएशन होता है वो ए टेंजेंशियल होता है बच्चा, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने माना कि वी जो है हमारा, v है हमारा वो है cos t i cap plus k sin t j cap, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। अगर मैं बोलूं कि dv by dt कितना होगा, तो dv by dt जो होगा वो होगा हमारा, ये cos का हो जाएगा माइनस के sin t i cap, और प्लस के sin का क्या हो जाएगा cos t j cap, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले हम, क्या मैग्नीट्यूड, तो dv अपॉन dt का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चा, ये आएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर टी प्लस के कॉस स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी हमारी वन, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अब नेक्स्ट पेज पे हम देख सकते हैं, अब दूसरा ऑप्शन है हमारा डी
वी मैग्नीट्यूड अपॉन डी टी। ठीक है, तो वी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वी हमारा क्या है, ये है कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस के साइन स्क्वायर टी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, वन। अब इसी का हम डिफ्रेंशिएट करें डी वी बाय डी टी, तो वन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, जीरो। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डी वी बाय डी टी मतलब डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाय डी टी तो जीरो आ रहा है, बट डी वी अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन हो सकती है। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या है, राइट हो। ठीक, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल, इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो इन इन द इंटरवल। तो देखो सी ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है। अब एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हम बोले डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो। तो एक पार्टिकल है इस तरीके से गया है और वापस इसी में पॉइंट में आ चुका है, तो ये इस तरीके से मोशन करते हुए गया है। तो हम कह सकते हैं इस मोशन में, इस क्लोज पाथ में वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी, बट हर एक पॉइंट पर हमारी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी तो कुछ हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे कुछ हो सकती है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ हो सकती है, यहाँ पे कुछ हो सकती है, तो वो तो नॉट इक्वल्स टू जीरो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट जीरो, तो ये पॉसिबल है। हाँ तो सर ये पॉसिबल होगा। ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन की बात करते हैं तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, पहली बात तो स्ट्रेट लाइन का मोशन है, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तो अगर ये ए पॉइंट से चला है और ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है क्या, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ये पार्टिकल ऐसे गया होगा और वापस ये ऐसे इस तरीके से आया होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होएगा तभी एवरेज वेलोसिटी। इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर जीरो, मतलब कि इस पूरे पाथ में ये गया होगा पार्टिकल ऐसे और वापस आया होगा, तो यहाँ पे कहीं भी इसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है बच्चा, ये इस ये बी सेकेंड बी की बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल गया होगा इस तरीके से, अब टर्न जब करेगा तो टर्न करने के लिए यहाँ पे तो ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं वी बी पर जीरो होगी, तो यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो इस पूरे जो वे में है, पूरे रास्ते में कहीं ना कहीं इस बी पॉइंट पर पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो जीरो रही होगी, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट मे हैव वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड तो हमारी वेरी करे बट वेलोसिटी वेरी ना करे, ऐसा कुछ कह रहा है। तो हमें पता है कि जो हमारी स्पीड होती है उस वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ही होती है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होती है। तो अगर हमारी स्पीड वेरी करेगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो वेरी करेगा, तो और वेलोसिटी जो होती है हमारी वो होती है हमारी ये तो मैग्नीट्यूड भी और प्लस डायरेक्शन भी। तो अगर हमारी स्पीड वेरी करेगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेरी करेगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग मतलब वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, मतलब कि स्पीड तो हमारी कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी वेरी करे। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हमने बोला कि एक पार्टिकल है वो ऐसे सर्कल वर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ सर्कल में वी स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड है वी वो तो हमेशा कॉन्स्टेंट ही है, वी ही है, यहाँ पर भी वी 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 है, ऐसा कुछ है, ये भी वी है, ये भी वी है, बट ये जो पार्टिकल है ये अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब कि जो हमारी वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी,
बट हमारी जो स्पीड है, क्या वेलोसिटी, ये स्पीड इसको बोल सकते हैं अपन, स्पीड को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, स्पीड वो नॉट चेंज है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सही। ठीक है, थर्ड सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नॉन जीरो एक्सिलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा ए जो होता है वो डीवी बाई डी टी होता है, डीवी बाई डी टी होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो हमेशा जीरो रहेगा। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी वेरी ना करे, तो वेलोसिटी अगर वेरी नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग एक्सेल स्पीड। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा, ये वही है कि एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, हमारी स्पीड तो चेंज हो सकती है, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है, और पार्टिकल की स्पीड सेम रहे, तो पार्टिकल की स्पीड हमारी सेम है लेकिन हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो हमारा नॉट जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तभी तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी इस पूरे सर्कल में, इस सर्कल की जो इस पार्टिकल की डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा होगा, वो हमारा एक्सेलरेशन ही कर रहा होगा, कोई ना कोई किसी टाइप का एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड हमारी क्या है, स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हमने कहा ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है और कहीं नहीं है, ठीक ऐसा कुछ है। अब ए ऑप्शन की बात करते हैं, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिट, तो मतलब कि एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी तो कुछ ऐसी है और एक्सेलरेशन कुछ पीछे की तरफ लग रहा है, ऐसा कुछ है, तो हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल इज स्लोइंग। तो ठीक है, सही बात है, अगर हम बोलते हैं कि वी और ए अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, तो ये पार्टिकल क्या होगा, ये स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा और कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही होगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द पोजिशन एंड अ वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये मेरा जीरो जीरो कॉमा जीरो है, पोजिशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और ये कह रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन होता है। अब कोई पोजीशन है, लाइक मैंने कहा एक्स पोजीशन है, तो पोजीशन ये वाली जीरो से लेके यहाँ तक तो पॉजिटिव होगी, ए तक, जीरो से ए के बीच में पॉजिटिव होगी, और इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब कि इस डायरेक्शन में हो, ऑब्वियस ये बात है, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में हो। तो अगर ये पॉजिटिव है, क्या डिस्पोजिशन पॉजिटिव है और इस कंडीशन में, और वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, तो ये कहाँ जाएगा, ओरिजिन पे जाएगा, ओरिजिन पे जाएगा, तो ये कंडीशन तो फुलफिल होगी। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, ऐसा ही हो सकता है नेगेटिव में भी हो क्योंकि कंडीशन हमें बोला नहीं कि पॉजिटिव में हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, एक्स हमारा नेगेटिव है लेकिन हमारी वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, तो फिर इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये ओरिजिन पे जाएगा। तो अगर हमारा पोजिशन, क्या पोजीशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट साइन के होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे भी ये ओरिजिन पे जा रहा था इस तरीके से, और इस कंडीशन पे भी, ये केस नंबर वन है, ये केस नंबर टू है, तो केस नंबर टू केस नंबर वन दोनों में ओरिजिन पे जाएगा, तो हम कह सकते हैं मूविंग इन, मूविंग द टूवर्ड्स ओरिजिन, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड है शुड ऑल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो ये तो हमें गलत सा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमें पता है, हम कई क्वेश्चंस करते हैं जहां पे टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी टाइम पर वेलोसिटी या इनिशियल
जो भी है, मतलब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, बट ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसे देख सकते हैं कि एक पार्टिकल को हम किसी स्पीड से फेंकें यू ऊपर, तो ये जाएगा इस तरीके से और किसी मैक्सिमम हाइट पर, यहाँ पे वी जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पर हमेशा ग्रेविटी तो लगती रहेगी, ऐसा कहेंगे। तो ये पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है बट ग्रेविटी लग रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन तो लग रहा है, तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो हो, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल। वेलोसिटी जीरो कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ही लिख देता हूँ या नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन, कि एक टाइम इंटरवल में, इस तरीके का टाइम इंटरवल है कुछ, है ना, या फिर इस पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन का मोशन बोल रहा है ना, हाँ स्ट्रेट लाइन का मोशन है, तो हम ये इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मोशन है, ये इस तरीके से गया होगा फिर वापस आया होगा, तो ए पर जाके ए पर वापस आया है, तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी रही होगी वो हमारी जीरो रही होगी। ठीक है, इन इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, तो ये टाइम इंटरवल की बात कर रहा, तो मतलब एवरेज की बात कर रहा, तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ होगा, ये गया होगा और आया होगा, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो। बट मैं बोलूँ इस रास्ते में कभी ना कभी ऐसा भी तो हो सकता है बी से लेके सी, बी से सी के बीच में, कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट भी रहे, मतलब कि यहाँ पे वी थी तो यहाँ पर भी वी रहे, तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो सकता है, हो सकता है ना, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो सकता है उस केस में, जब बी से लेके सी में गए होगा, तो यहाँ पे हो सकता है वी रही हो, वी रही हो, वी रही हो, वी रही हो, कॉन्स्टेंट रहे तो टर्न नहीं करे, है ना, और इस तरीके से तो एक्सेलरेशन नॉट जीरो हो सकता है और हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो सकता है। देखो इफ द वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी हमारी क्या है, जीरो एक टाइम इंटरवल में। ठीक है, डी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंट बिटवीन द टाइम इंटरवल, तो ये जो इंस्टेंट है बी से लेके डी सी, बी से सी के बीच का, तो वहां पे उस इंस्टेंट पे हमारा एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये वाली बात सही हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल्स टू जीरो, तो मतलब कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ए पॉइंट पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, ऐसा कुछ। द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो मस्ट बी जीरो, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि हो सकता है एक्सेलरेशन हो, तो ये हमारा जीरो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, द एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो मे बी जीरो, हाँ मे जीरो हो सकता है, मस्ट जरूरी नहीं है, मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्या एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो पार्टिकल कैसा रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा हमेशा, क्या रहेगा रेस्ट पर, टी इक्वल्स टू वन पर देखो, टू पर देखो, थ्री पर देखो, हमेशा रेस्ट पर ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, मे का ऑप्शन हो सकता है, मस्ट का ऑप्शन नहीं हो। ठीक, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो इफ द एक्सेलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टेन, द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन टाइम इंटरवल, तो देखते हैं। तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पर हमारी स्पीड क्या थी बच्चा, जीरो थी, अब एक्सेलरेशन भी जीरो बोल दिया, क्या एक्सेलरेशन भी जीरो बोल दिया, तो हम क्या कहेंगे, जब हमारी स्पीड भी जीरो थी इनिशियली, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो पार्टिकल चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पे, तो वन लो, टू लो, थ्री लो, फोर लो, जीरो से लेके 10 सेकेंड तक लो, हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, तो ये चलेगा क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन देखते हैं। इफ द स्पीड इज जीरो एट टी इक्वल टू जीरो टू टेन, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन द इन दिस स्पीड। अब यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक तो कि स्पीड की बात करिए, तो स्पीड हमारी क्या है, जीरो है किसी टाइम इंटरवल में, मतलब पार्टिकल चला ही नहीं है, रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर, तो रेस्ट पर कब रहेगा, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा तभी ये रेस्ट पर रह सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल के पास आ गया तो वो अगले ही क्षण पर, अगले ही इंस्टेंट पे चलना स्टार्ट कर देगा, तो टी इक्वल्स टू जीरो टू टेन सेकेंड में
अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो हम कहेंगे कि 0 टू 2 पर एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए, है ना। हो सकता है 10.1 सेकंड पर आ जाए और चल दे, है ना, बट जब एक्सेलरेशन आएगा तो पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर का क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट हमें मार्क करना है करेक्ट वर्ड। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए ऑप्शन की बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू स्पीड। हाँ तो ये सही है, हमारा जो स्पीड होता है वो मैग्नीट्यूड ही होता है हमारी वेलोसिटी का, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं ना, एवरेज की बात नहीं कर रहे, ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। तो मतलब ये कह रहा है कि वी एवरेज जो होगा वेलोसिटी वो हमेशा स्पीड एवरेज के बराबर रहेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, अभी हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये ए ऑप्शन देखा था। ए ऑप्शन में क्या था हमारा कि हमारी जो स्पीड थी एवरेज स्पीड वो ग्रेटर देन इक्वल थी एवरेज वेलोसिटी के। तो जरूरी नहीं है इक्वल रहे रहे, हो सकता है ज्यादा भी हो, तो हो सकता है ज्यादा भी हो, तो ये हमारी ग्रेटर इक्वल रहती, मतलब ये नहीं अपोजिट साइन आएगा, साइन अपोजिट आएगा, तो ये हमारी ग्रेटर देन और इक्वल रहेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। अब स्पीड बोल रहा है, स्पीड है जीरो, ऑलवेज जीरो, जीरो नहीं ऑलवेज जीरो बात करती है, क्या ऑलवेज जीरो, मतलब कि पार्टिकल चला ही नहीं है। यू इक्वल्स टी इक्वल्स टू जीरो पर, टी इक्वल्स टू जीरो पर पार्टिकल चला ही नहीं, यू इक्वल्स टू जीरो है तो हमेशा रेस्ट पर है। अब पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर रहेगा तो एवरेज स्पीड भी क्या रहेगी, एवरेज स्पीड भी जीरो ही रहेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो रहेगी, क्या डिस्टेंस, वो भी जीरो रहेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस हमेशा जीरो ही रहेगी, तो हमारा जो स्पीड है एवरेज वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो। तो अगर रेस्ट पर है तो हमारी स्पीड भी क्या रहेगी, एवरेज स्पीड, वो भी जीरो रहेगी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो, नॉट जीरो तो नहीं होगी, जीरो रहेगी, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर जीरो, मतलब कि स्पीड क्या है, स्पीड स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो रही है, चलती रही है चलती रही है चलती रही है, बट द एवरेज स्पीड इज एन इंटरवल इज जीरो, है ना। तो ये यू इक्वल्स टू, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पे या फिर टी इक्वल्स टू वन पे इसके पास कोई ना कोई स्पीड है, ठीक है। अब किसी भी पार्टिकल पे स्पीड आ गई तो वो कुछ ना कुछ तो चलेगा, एक्स चलेगा लाइक, तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस तो आएगा, अगर पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। अब हमारा एस जो स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं है तो ये भी हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो ही होगा, डिस्टेंस हमारी जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो एवरेज स्पीड भी हमारी क्या रहेगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ग्राफ का। तो ग्राफ का क्वेश्चन है तो हमें पढ़ लेते हैं कि द वेलोसिटी टाइम, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। तो स्ट्रेट लाइन का मोशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है, और हमें वेलोसिटी मतलब ये वी और टी के बीच का ग्राफ दिया, ठीक है, और वी और टी का बीच का ग्राफ दिया, और फिर पूछ रहा है कि द पार्टिकल हैज अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt होता है, और वी और टी की स्लोप जो होती है वही हमें एक्सेलरेशन देती है, ये स्लोप। और हमारी जो ये स्लोप है बच्चा, इस स्लोप स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है, कांस्टेंट, तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट
कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट, तो ये हमारा सही है। ठीक है, बी की बात करते हैं, ये हमारा ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा था, पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, मतलब कि पार्टिकल टर्न नहीं ले रहा और स्ट्रेट लाइन का मोशन है। पहली बात तो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो देखो पहले जो हमारी वेलोसिटी थी, ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, पहले हमारी जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव, तो जीरो जीरो से स्टार्ट हुई, ये मैंने बोला इसके पास कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, ऐसा कुछ, और ये 0-0 से स्टार्ट हुई 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 हुई, और यहाँ पे t equals to 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, t equals to 10 सेकंड पर ये क्या होगी 0, तो यहाँ t equals to 10 सेकंड पर पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट पर आ जाएगा, ये v equals to 0, और फिर दोबारा इसकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुई और ये नेगेटिव होगी, तो ये पीछे आएगा पीछे आएगा पीछे आएगा, तो पार्टिकल जाके टर्न तो ले ही रहा है ना, टर्न ले रहा है, तो नेवर टर्न बोल रहा है, मतलब कभी भी टर्न नहीं लेगा, तो एक बार तो टर्न ले ही रहा है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द पार्टिकल हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो अगर मैं बात करूं यहां से गया और ये वापस यहां आएगा, एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव रहेगा पहली बात तो, और एक और चीज है, अगर मैं बात करूं कि v इक्वल्स टू हमारा जो वेलोसिटी होती है वो हमारी dx by dt होती है, क्या होती है dx by dt, तो मैं यहाँ पे dx निकालता हूँ, dx क्या होगा v इंटू dt होगा, और मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये v dt जो होगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये हमें एरिया अंडर द कर्व देता है, एरिया अंडर द कर्व, तो इसका जो एरिया होगा बेसिकली यहाँ पे ये जो एरिया होगा वो ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव होगा, ये वाला पोर्शन नेगेटिव होगा, बट ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या, नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव, तो हमारा जो एरिया आएगा बेसिकली वो कुछ ना कुछ नेगेटिव, मतलब एरिया बेसिकली नेगेटिव नहीं होता है, बट इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या इसको यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, एरिया नहीं डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा हमारा नेगेटिव, तो कुछ ना कुछ आएगा तो जीरो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत। ठीक, डी ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल 0 to 10, तो 0 to 10 में एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, क्या एवरेज स्पीड 0 to 10 सेकंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द टाइम इंटरवल 10 to 20। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें तो एवरेज स्पीड क्या थी, 0 यहां पे है और 10 यहां पे कहीं है, 10 हमारा यहीं कहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखें तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या वी एवरेज जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अगर देखें तो ये एरिया, एरिया एरिया कितना है, हाफ इंटू, चलो इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है हमारा कि वी एवरेज स्पीड की बात हो रही है ना, स्पीड, ठीक, अरे स्पीड, स्पीड को हम एस से शो कर लेते हैं, ये एस वो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमें क्या बोलेगा, एरिया, कहां से कहां, 0 टू 10 के लिए, तो 0 टू 10 के लिए जो हमारा एरिया होगा बेसिकली वो कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है 10, इंटू हाइट कितनी है 10, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है 10, तो ये हो गया 5, तो 5 5, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया फॉर 0 टू 10। अब हम बात करते हैं 10 टू 20 की, तो 10 टू 20 तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये भी क्या देगा, एरिया, पॉजिटिव एरिया, कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो रहा है 20 माइनस 10, तो 10 ही बचेगा। अब इसका जो एरिया है ये 10 वाला है और ये 20 है, तो ये इस एरिया की बात कर रहे हैं जिसे मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये ब्लैक इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं जाके ये 10 ही होगा माइनस 10, क्यों, क्योंकि ये हमारा एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो थीटा थीटा, तो यहाँ पे हम इक्विलिटी लगा सकते हैं, सिमेट्री लगा सकते हैं, तो सिमेट्री लगाएंगे तो यहाँ पे भी 10 था, तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा माइनस 10, तो
तो इसका जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये भी हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से ये भी गया 5, तो 50, तो 5 मीटर पर सेकंड, तो क्या आया, सेम आया, सेम आएगा, तो सेम आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फिगर हमें शोज है द पोजीशन, तो हमारा एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, एक्स और टी ग्राफ, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो द पार्टिकल हैज कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल्स टू सिक्स, मतलब 6 टाइम्स। तो हमें पता है कि पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, और dx by dt हमें xt ग्राफ की स्लोप देती है, क्या देती है, स्लोप। तो हम बोल सकते हैं कि देखते हैं कि कितने टाइम आती है स्लोप जीरो। तो यहां पे कहीं जीरो होगी स्लोप फर्स्ट टाइम, यहां पे कहीं जीरो होगी सेकंड टाइम, यहां पे कहीं जीरो होगी थर्ड टाइम, यहां पे भी जीरो होगी फोर्थ टाइम, यहां पे कहीं भी जीरो होगी फिफ्थ टाइम, और यहां पे भी जीरो होगी सिक्स टाइम। तो हम कह सकते हैं बेसिकली 6 टाइम्स स्लोप जीरो, सो इट एट रेस्ट 6 टाइम्स, मतलब कि 6 टाइम्स ये रेस्ट पे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम स्पीड एट टी इक्वल्स टू 6। तो टी इक्वल्स टू 6 की बात करें तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैंने रफ कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 6 की बात करते हैं, 6 के लिए हम बोल सकते हैं टी इक्वल्स टू 6 यहां कहीं है। अब 6 के पास ये कोई पॉइंट है, ये ऐसा कुछ, यहां पे वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, जीरो हो रही है, और यहां पे हमारी स्पीड है ना स्पीड, तो ये कुछ पॉजिटिव है इस तरीके से, क्योंकि इसकी स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, ये थीटा वन जो है वो स्लोप हमारी पॉजिटिव पॉजिटिव है, फिर ये जीरो हो रही है और फिर नेगेटिव, मतलब कि पहले है हमारा पॉजिटिव, फिर ये हो रहा है जीरो, फिर ये हो रही है हमारी नेगेटिव। तो बेसिकली पॉजिटिव से जीरो, तो मतलब एक्सेलरेशन पीछे ही वर्क कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन पीछे वर्क कर रहा होगा, तो बेसिकली यहाँ कहीं टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर तो मैक्सिमम नहीं रही होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, तभी तो जीरो यहाँ कहीं होगी। ये टी इक्वल्स टू लाइक 7 सेकंड बोलता हूँ, तो यहाँ पे जीरो और फिर ये नेगेटिव हुई है, तो हम नहीं कह सकते कि टी इक्वल्स टू 6 सेकंड पे हमारी मैक्सिमम होगी, तो ये हमारा रॉन्ग होगा, तो ये हम बोल देंगे रॉन्ग। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, द वेलोसिटी रिमेन्स पॉजिटिव फॉर 0 टू 6। ठीक है, तो देखते हैं। अब पहली बात तो ये तो गलती हो गया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नहीं है, ये बोल रहा है कि हमेशा पॉजिटिव, तो ये 6 टाइम हमने पहले भी तो निकाला है, 6 टाइम जीरो भी तो है, कितनी है जीरो। और बेसिकली देखें तो इस ग्राफ की बात करते हैं, इस ग्राफ की, तो यहाँ पे जो स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप है, इस ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप है, इस ग्राफ में नेगेटिव स्लोप है, इस ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप है, इस ग्राफ में नेगेटिव स्लोप है, इस ग्राफ में पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये है नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर नेगेटिव है। तो बेसिकली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और जीरो भी है, तो हमेशा पॉजिटिव नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ टोटल पीरियड शोव्स इज नेगेटिव। तो हमें पता है डी ऑप्शन, तो बेसिकली देखने पे ही पता चल रहा है, क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही है, क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि नीचे तो जा ही नहीं रहा है, नीचे कहाँ जा रहा, नेगेटिव में है क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है पर नीचे नहीं जा रहा है, तो है ना, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है पॉजिटिव, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, ओके, 10th नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम फ्रेम्स S1 एंड S2। तो हम
और S2 फ्रेम से ही देख रहे हैं किसी पार्टिकल P को, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये तो यहीं से देख रहे हैं, तो ये रेस्ट पर ही रहेंगे, ये रेस्ट पर और ये भी रेस्ट पर, और इसके पास जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। डायरेक्शन की बात नहीं करी है, मैग्नीट्यूड दिया है बस, ठीक है। तो हमें दो फ्रेम्स दे रखे हैं S1 और S2, और हमें एक पार्टिकल दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात हमें यहाँ पे कतई भी नहीं की है, डायरेक्शन की कतई भी नहीं, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इस पार्टिकल जो है P, इसे ही फ्रेम मान लेता हूँ, क्या फ्रेम, तो विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ पार्टिकल, फ्रेम ऑफ पार्टिकल ऐसा कुछ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका तो कितना था, जीरो, इसका एक्सेलरेशन भी कितना था, जीरो, ऐसा कुछ। तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रेस्पेक्ट टू P जो रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन ऑफ S1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ S1 कितना है, जीरो माइनस के फोर, और ये मैग्नीट्यूड तो बेसिकली कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ S2 पूछता हूँ विद रेस्पेक्ट टू P, क्या एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू P, तो वो भी कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ P। तो ये भी हमने क्या है, ये जीरो है माइनस के, ये कितना है, फोर, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड फिर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन की बात नहीं की। अब हमें पता है S1 का और S2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मतलब कि S1 और S2 के लिए बेसिकली बात करते हैं, तो ये हो गया हमारा S1 की डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगी हमारी कोई S2 की डायरेक्शन, ये भी होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा कुछ। और इनके बीच का जो एंगल है बेसिकली थीटा, हमें नहीं पता थीटा की वैल्यू क्या है, हमें डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, कतई भी नहीं पता, है ना। अब पूछा क्या है कि द एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रेस्पेक्ट टू S2 क्या होगा, तो हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, S1 और S2 का मैग्नीट्यूड निकालें बच्चा। तो नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं हम कि दो रिजल्टेंट, मतलब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पर हैं, किस पे, दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे, तो हम बोल सकते हैं ए नेट जो रहेगा वो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस के 2A1 A2 रहेगा, 2A1 A2 रहेगा और कॉस थीटा ऐसा कुछ होगा। अब A1 A2 क्या है, इक्वल ही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस A2 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस के 2 × 16, तो ये हो गया हमारा 32 कॉस थीटा ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो हमारा ए नेट जो होगा, ए नेट किस पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया हमारा ए नेट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 16 32 32 प्लस 32, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 64, 64 का क्या होता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ कॉस थीटा हो जाता है हमारा -1, क्या हो जाता है -1, तो ए नेट कितना हो जाएगा हमारा, ए नेट हो जाएगा अंडर रूट 32 माइनस के 32 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो मतलब कि 0 से लेके 8 मीटर पर सेकेंड तक, 0 से 8 मीटर पर सेकेंड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं ऑप्शन, तो द फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू, मस्ट तो नहीं है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो मस्त तो नहीं है, 0 रहे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द फ्रेम मे बी मूविंग विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सिलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू अदर, तो एक्सिलरेट तो कर सकता है ना, क्यों, क्योंकि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये बोल रहा है नाइदर शुड बी एक्सिलरेटेड, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द वेल एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 मे आइदर बी 0 और 8, या तो होगा 0 या फिर होगा 8, बट हमने जब निकाला है यहाँ पे तो 0 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, तो 0 से लेके 8 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बस 0 और 8 हो जरूरी नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन देखते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रेस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू 8,
हाँ, तो ये हमारा हो सकता है कि 0 से लेके 8 के बीच में कितना भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कुछ भी हो सकता है हमारा 0 से 8 के बीच में, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली हमारा पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, बाय बाय।